हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द बेटर सोर्ड के एपिसोड 26 को नैरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नैरेशन को शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में जिनमू पूछता है कि आखिर उसने कैदियों को मेडमेन में तब्दील क्यों किया। तो ग्यूम कहता है कि उसने यह काम इसलिए करा ताकि वो उन्हें एक वार्निंग भेज पाए। ग्यूम फिर पूछता है कि क्या तुम्हारी यह टेक्निक गैदरिंग ऑफ द 10,000 शैडोज है, जो सुनकर जिनमू थोड़ा सरप्राइज होता है, जो देखकर ग्यूम समझ आता है कि वो सही है और उसे इसके बारे में अपने मास्टर से पता चला था। और उसके मास्टर ने इसे जिस फियरसम तरीके से एक्सप्लेन किया था, ये बिल्कुल वैसा ही था। और ग्यूम गेस कर लेता है कि जिनमू नॉर्दर्न हेवनली सेट का डिसेंडेंट है। और इस तरफ जिनमू भी ग्यूम के साउंड आर्ट्स को देखकर समझ चुका था ग्यूम 1000 साउंड्स ऑफ डेथ का डिसेंडेंट है, पर अभी यह टाइटल खुद उसी के पास है। खैर, उसके पास जिनमू अपने पावर को रिलीज करते हुए पूछता है कि उसने कैदियों को और कहां कहां पर छुपा कर रखा है, पर ग्यूम इसका कोई जवाब नहीं देता। पर वो बहकी बहकी बातें करते हुए हमला करने आ जाता है, जैसे कि उसने बहुत ज्यादा दुख देखा हुआ है। और जब उसने जिनमू के डेथ की खबर सुनी थी, उसे काफी दुख भी हुआ था, क्योंकि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट उनका जानी दुश्मन है। अगर वही नहीं रहेंगे तो आखिर उन्हें कौन याद करेगा, ऐसे ही बातें। पर दोनों के बीच में इस सब के बीच भी फाइट चल रही थी। और फाइट चलते हुए ही जिनमू कहता है, तुम ये सब इसलिए कह रहे हो ताकि दुनिया तुम्हें बस याद रखे, दुनिया को तुम्हारे दुख दर्द के बारे में पता चले, बस इसलिए। ग्यूम कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इसके पीछे बस यही एक रीजन है? तुम जो सोच रहे हो ये उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ये दुनिया भी बिल्कुल सिंपल नहीं है। जिनमू पूछता है कि क्या इस सबका साइलेंट नाइट के फॉर डिमोनिक लॉर्ड से कुछ लेना देना है? तो ग्यूम उल्टा पूछता है कि आखिर तुम्हें कितना पता है? जिनमू पूछता है कि क्या वो चारों जिंदा है? ग्यूम जिनमू को थोड़ी देर तक देखता रहता है और कहता है, हाँ वो सभी जिंदा है, पर कुछ समय से वो सभी इंटरनल इश्यूज में उलझे हुए हैं। तो जिनमू सोचने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो अभी तक यूना जिंदा होगी। दोनों फिर एक दूसरे के ऊपर दोबारा हमला करते हैं और ग्यूम कहता है, ये कितना फनी है ना? पूरी दुनिया को लगता है कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट और साइलेंट पूरी खत्म हो चुकी है, पर आज यहाँ पर उनके डिसेंडेंट्स लड़ाई कर रहे हैं। और तुमने कहा था कि तुम अपने अंकल को ढूंढ रहे हो, अगर वो भी मेडमैन बन गए होंगे तो मुझे माफ कर दो, ये काफी अनफॉर्चुनेट है, पर मैं कुछ भी कर नहीं सकता। तुम्हें पता है, मैं सोच रहा था कि तुम इस प्लान का ग्रैंड फिनाले करोगे, जो कि मैंने सेंट्रल हेवनली अलायंस के लिए क्रिएट किया है, पर लगता है कि मैं तुम्हें और आगे जाने नहीं दे सकता। और वो डिस्ट्रक्शन साउंड ऑफ द फॉलिंग एंड का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पर जिनमू उसी समय पर ऊपर जंप करके इसे बच गया था, और वो ऊपर से ही कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आखिर तुमने बाकी कैदियों को कहाँ पर रखा है? पर ग्यूम फिर से इसका जवाब ना देकर याउआ की बातें करने लग जाता है, जिस वजह से जिनमू और नहीं रुकता और ग्यूम के ऊपर गैदरिंग ऑफ द शैडोज का इस्तेमाल कर ही देता है, जिससे कि ग्यूम के शरीर में बहुत सारे कर्स लग चुके थे और उसका पूरा शरीर खून से भर गया था। जिनमू कहता है कि जिन्होंने पहले हमला करके मेनलैंड को तबाह किया है वो साइलेंट नाइट थे, इसी वजह से ही नॉर्दर्न हेवनली सेट को फॉर्म किया गया था और दशकों तक लड़ाई करने के बाद जाकर साइलेंट नाइट को हराया गया था। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो काफी अनफेयर है, और तुम सेंट्रल हेवनली अलायंस को किस तरीके में वार्निंग देना चाह रहे थे? मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं पता, पर क्या साइलेंट नाइट को इतने दूर जाने की कोई जरूरत थी? क्या तुम्हारे पास बस यही एक रास्ता बचा हुआ था जिसके लिए तुम्हें इतने सारे इनोसेंट लोगों को मारना पड़ा? ग्यूम फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम भी थक चुके होगे, और मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर से आखिर क्या गुजर रही है, क्योंकि तुम भी हमसे अलग नहीं हो, पर तुम सोच रहे हो कि आखिर असली सच क्या है, और मैं श्योर हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो, क्योंकि मेरा प्लान फाइनली पूरा हो चुका है, पर शुरू से ही तुम कभी मेरे प्लान का पार्ट थे ही नहीं, पर तुम्हारे ऐसे अचानक आने की वजह से प्लान और भी ज्यादा परफेक्ट हो गया। पर ग्यूम के ज्यादा बकर बकर करने की वजह से जिनमू उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि तुमने मुझे पूछा कि क्या मैं थक गया हूँ, मेरे मुश्किलों के समय में जब मेरे पास कोई भी नहीं था तब मेरे साइड में बस एक ही इंसान खड़े हुए थे और वो है मिस्टर हुआंग, और तुम लोगों ने उन्हें ही मुझसे छीन लिया है। ग्यूम कहता है कि मुझे अभी तक नहीं पता कि तुम्हारे अंकल कौन है या फिर कैसे दिखते हैं, पर ये सोचना कि वो भी इस प्लान में शामिल हो गए हैं, वेल तुम कह सकते हो कि फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। चलो अभी सबको खत्म कर देते हैं, जिनमू कहता है, तो मतलब तुम आखिर तक कुछ भी कहना नहीं चाहोगे? मिस्टर हुआंग मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहे, पर अगर बाई चांस मिस्टर हुआंग का यह हाल हुआ होगा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और जिनमू ये कहने के तुरंत बाद ही ग्यूम के ऊपर सडनली हमला कर देता है, जिससे कि ग्यूम नीचे गिर जाता है और वो पूरे खून से लथपथ हो चुका था, पर वो फिर भी उठकर खड़ा हो जाता है और जिनमू के पास आकर जिनमू को पंच मारने की कोशिश करता है, जिसमें कि पावर नाम की कोई चीज थी ही नहीं। ग्यूम कहता है कि तुम काफी इंप्रेसिव हो जिनमू। जिनमू गुस्से में उसे लात मार कर नीचे गिरा देता है। जिनमू उसे देखता ही रहता है तो ग्यूम कहता है, तुम्हारे एक्सप्रेशन से लग रहा है कि तुम्हें मुझे ऐसे देखकर काफी अफसोस हो रहा है।
पर तुम्हें हमारे डेथ को लेकर कोई भी अफसोस करने की जरूरत नहीं है। यह बस एक छोटा सा प्राइस है जो कि हमें देना पड़ा है एक बड़ी चीज को हासिल करने के लिए। और ऐसे भी मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल चुका है। मेरे गोल का अल्टीमेट प्लान ही था मेरा डेथ। जितनी बड़ी और ग्रांड मेरी डेथ होगी उतना ही साइलेंट नाइट और सेंट्रल हेवनली का फैट एक दूसरे के सामने आ जाएगा, क्योंकि मेरे मरने पर ही साइलेंट नाइट जागृत होगी। तो मेरे डेथ का मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। इंस्टेड मैं तो तुम्हें इसके लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ। मैं प्लान कर रहा था कि मैं ये सब खत्म करूंगा ग्रेट फोर के चोनो के साथ लड़ने के बाद, पर सरप्राइजिंगली तुम सामने आ गए जो कि चोनो से भी ज्यादा क्वालिफाइड हो, क्योंकि तुम नॉर्दर्न हेवनली सेट के सेट लीडर हो। तुम्हारे अपीयरेंस से मेरा प्लान और भी ज्यादा परफेक्ट हो गया है। इसलिए मैं तुम्हें कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और भड़काया जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था जब तुम्हें उसके बारे में पता चल जाएगा जो कि तुम यहाँ पर ढूंढने आए हो तुम तभी लंडा बंद कर दोगे। पर यह सोचना कि तुम मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करोगे सच में फैट बहुत ज्यादा अलग है, और इसी वजह से मैं तुम्हारा शुक्रगुजार भी हूँ। पर सच में तुम्हारे अंकल को मेरे प्लान में शामिल करने का मेरा कोई प्लान नहीं था। सोरोफुल माउंटेन की ओर जाओ जहाँ पर बहुत सारे मर्चेंट्स और गार्ड्स कैद हैं। मैं सच में आशा करता हूँ कि तुम्हारे अंकल भी वहाँ पर ठीक हो। और तभी ग्यूम की डेथ हो जाती है और जिनमू भी खांसने लगता है क्योंकि फाइट के दौरान उसने बहुत ज्यादा इंटरनल फोर्स को यूज कर लिया है। तभी उसे टैंक फैमिली की जीमून की दी हुई मेडिसिन पिल के बारे में याद आ जाता है, जिसे खाते ही उसकी इंटरनल फोर्स 10 इयर्स तक इम्प्रूव हो जाएगी। जिनमू इसे जल्दी से खा लेता है और सोचने लगता है आखिर जिनमू अपने प्लान को पूरा करके क्या हासिल करना चाह रहा था। तभी वो अपने पीछे एक मैसिव फोर्स को सेंस करता है और यह फोर्स इतना ज्यादा था कि उसके पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और ऐसे में उसके बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो गई है और ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उसकी डेथ भी हो सकती है। पर जिनमू बड़ी हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखता है और पीछे देखता ही वो पहचान लेता है कि इस साले नाट के फोर डेमोनिक लॉर्ड्स में से एक है, द स्पीयर ऑफ द ब्लैक विंग्स, जिन्हें घोस्ट स्पीयर के नाम से भी जाना जाता है। और जिनमू को पता है कि उसने जीमून की मेडिसिन पिल खाई है पर वो फिर भी घोस्ट स्पीयर के सामने खड़ा भी नहीं रह सकता। तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। घोस्ट स्पीयर फिर जीमून से माफी मांगते हैं लेट आने के लिए और उन्हें ग्यूम के से जाने का काफी दुख भी है, क्योंकि उन्हें ग्यूम की अहमियत और उसके ब्रिलियंस के बारे में पता था। पर उनकी गलती यह हुई कि उन्होंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और अपनों में उलझे रह गए, जिस वजह से उसे अपनी जान देनी पड़ी साले नाट को जगाने के लिए। खैर घोष पेयर की नज़र फिर जिनमू के ऊपर पड़ती है और वो पहचान जाते हैं कि आखिर जिनमू असल में कौन है, नॉर्दर्न हेवनली सेट का डिसेंडेंट, क्योंकि आफ्टर ऑल वो दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन है। और घोष पेयर फिर अचानक जिनमू के ऊपर हमला कर देते हैं जिससे कि जिनमू बस बाल बाल ही बच पाता है। पर घोष पेयर फिर से अपने स्पीयर से हमला कर देते हैं जो कि जिनमू के चेस्ट में आके लगती है और वो पीछे जाकर गिरता है। पर स्पीयर का डायरेक्ट हमला टैंक फैमिली के मिरियो के दिए हुए जेट टैग के ऊपर हुआ था, जिस वजह से जिनमू बच गया। पर जिनमू के सामने अब ये प्रॉब्लम है कि उसे पता नहीं कि घोष पेयर अपने स्पीयर को कितना एक्सटेंड कर सकता है और उनकी रेंज कितनी है, और उसे इसे एक बात तो समझ में आ चुकी है कि आखिर उन्हें घोष पेयर क्यों कहा जाता है। तभी हमें चुंगिन को दिखाया जाता है जो कि गुफा तक पहुंच चुका था मुजियंग को लेकर, और चुंगिन यहाँ पर घोष पेयर और जिनमू के असलियत जानकर पूरे हैरान हो गया था, क्योंकि सभी को पता है कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट और साइलेंट नाइट खत्म हो चुकी है, पर यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। और उसे डर लगने लगा है कि कहीं एक और बड़ी वॉर की शुरुआत ना हो। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये एपिसोड और मेरे नरेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुम हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो में।